today we are going to study about virginia henderson need theory right who was virginia henderson she developed the nursing need theory

Emphasizes the basic human needs and how nurses can assist in meeting those needs. Right? अब उसकी इस चीज़ पे जोर डाला है कि basic human needs क्या है? और नर्सेस कैसे हेल्प कर सकती हैं उन नीड्स को फुलफिल करने में राइट right? आगे है द नर्स इज़ एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट अ फिजिशियंस थेरापूटिक प्लान बट इंडिविजुअलाइज केयर इज़ रिजल्ट ऑफ नर्सेज क्रिएटिविटी इन प्लानिंग फॉर केयर राइट क्या है एक नर्स से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि वो जो फिजिशियन का ट्रीटमेंट प्लान है फिजिशियन ऑर्डर है उसको एफिशियंटली कैरी आउट कर सके राइट right? और क्या है बट जो इंडिविजुअलाइज केयर है कि जो उसने केयर करनी है वो उसकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है राइट right? केयर अच्छी है या बुरी है वो उसकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे केयर को प्लान करती है क्लियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फोर्टीन कंपोनेंट्स ऑफ वर्जीनिया हैंडरसनस नीट थ्योरी वर्जीनिया ने फोर्टीन कंपोनेंट्स बताए हैं नीट थ्योरी में राइट right? और वो क्या है ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं आपने एज इट इज़ लाइन वाइज ही लिखने हैं ठीक है ठीके? सबसे पहले क्या बताया है कि पर्सन की क्या नीड होती है ब्रीथ नॉर्मली राइट हर एक इंसान जो नॉर्मली ब्रीथ करता है हम उसको हेल्दी बोलते हैं ये सबसे बड़ी नीड है हर एक इंडिविजुअल की कि वो अपने आप करे विदाउट एनी हेल्प ऑफ ऑक्सीजन मास्क और एनीथिंग राइट आगे है सेकेंड ईट एंड ड्रिंक एडिक्वेटली ठीक है एक नॉर्मल इंडिविजुअल को खुद से खाना खाना चाहिए और जो खाना है उसे अच्छी तरीके से डाइजेस्ट भी हो रहा है और वो ड्रिंक भी खुद से कर रहा है पानी अपने आप से पी रहा है दूध अपने आप से पी रहा है राइट और अदर जूसेस वगैरह है वो नॉर्मली अपने आप से ले रहा है उसको कोई रायल स्टीव वगैरह की जरूरत नहीं है खाने के लिए या पीने के लिए राइट वो नॉर्मली अपना खा पी रहा है राइट लीडर्स एलिमिनेट बॉडी वेस्ट राइट कि जो पेशेंट है एक हेल्थी इंडिविजुअल है वो खुद से क्या है एलिमिनेट कर सके अपने बॉडी वेस्टेज को जैसे कि यूरिन वो खुद से पास आउट विदाउट एनी प्रोसेस ऑफ कैथेटराइजेशन राइट उसी तरह वो एक्सक्रीटा पास आउट कर रहा है राइट right? विदाउट किसी अनिमा वगैरह के कि जो उसके एलिमिनेशन फंक्शंस हैं वो खुद से प्रॉपरली काम करने चाहिए राइट right? इसको थर्ड नीड बताया गया है आगे मूव एंड मेनटेन डिजायरेबल पोस्चर्स राइट अब जो फोर्थ नीड है वो क्या है एक इंडिविजुअल की वो खुद से चल सके और अपनी हिसाब से डिजायरेबल जो उसको पोस्चर चाहिए कोई पोजीशन चाहिए लेटना है बैठना है उठना है चलना है वो अपने आप से इजीली कर सके राइट ये उसकी फोर्थ नीड है आगे स्लीप एंड रेस्ट राइट ठीक है जब वो चाहे वो सो सके उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो हाइपर सोमनिया जैसी कोई प्रॉब्लम ना हो और रेस्ट ठीक है जब वो चाहे तब वो रेस्ट कर सकता है राइट ये ना हो कि उसके रेस्ट करने में कोई दिक्कत हो रही है ठीक ये उसकी फिफ्थ नीड है सिलेक्ट सुटेबल क्लोथ्स ड्रेस एंड अनड्रेस राइट अब क्या है वो अपने हिसाब से अपने मन चाहे कपड़े पहन सके ये उसकी नेक्स्ट नीड है ठीक है और अपने आप ही वो पहन सके और खुद ही अनड्रेस कर सके राइट विदाउट एनी असिस्टेंस क्लियर राइट ये भी एक तरह की नीड है इंडिविजुअल की आगे कौन सी नीड बताई है मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर विद इन नॉर्मल रेंज बाय एडजस्टिंग क्लोथिंग एंड मॉडिफाइंग एनवायरनमेंट राइट अब इसमें क्या है इंडिविजुअल की क्या नीड है अपनी बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रेंज के विद इन मेंटेन रखना जैसे कि उसको गर्मी लग रही है तो वो नॉर्मल कॉटन क्लोथ्स पहन सकता है राइट right? और अगर उसको ठंड लग रही है तो वो वुलन क्लोथ्स पहन के अपनी ठंड को दूर कर सकता है राइट यानी कि कि वो एडजस्ट करने में कामयाब है बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ क्लियर है कीप द बॉडी क्लीन एंड वेल ग्रूम्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटेगमेंट अब इसमें क्या है कि वो अपनी बॉडी को क्लीन एंड टाइडी रखे ठीक है वेल ग्रूम्ड अच्छे तरीके से तैयार हो ठीक है और क्या है कि प्रोटेक्ट द इंटेग्यूमेंट इंटेग्यूमेंट मीन्स कि अपनी स्किन का बचाव कर सके राइट right? अगर ड्राइनेस हो रही है तो मॉइस्चराइजर अप्लाई कर ले सर्दियों से बचे तेज धूप से बचे क्लियर है आग से बचे पानी से ज़्यादा टाइम के लिए बचे ठीक है किस तरीके से उसने खुद के बॉडी को यानी कि स्किन को बचाना है ये भी एक तरह की नीड है उसमें राइट right? आगे अवॉइड डेंजर्स इन द इन्वायरमेंट एंड अवॉइड इंजरिंग अदर्स राइट खुद भी डेंजर्स से बचना है और दूसरों को भी चोट बचाने से बचना है राइट right? आगे है कम्युनिकेट विद अदर इन एक्सप्रेसिंग इमोशन नीड्स फियर्स और ओपिनियंस राइट वो ईजिली किसी और के साथ कम्युनिकेट कर सके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर सके जिसके साथ कि उसका स्ट्रेस जो है रिलीव हो जाता है ये भी हर एक इंसान की नीड में आता है ठीक है और आगे क्या है वर्शिप अकॉर्डिंग टू वंस फेथ राइट हर एक इंसान की नीड होती है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग या फिर अपने फेथ के अकॉर्डिंग वो वर्शिप कर सके ठीक है ना आगे है वर्क इन सच अ वे दैट देयर इज अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट क्लियर अब इस तरीके से काम कर सके वो ये हर एक इंसान की नीड है कि जो वो वर्क करे उसमें वो सैटिस्फाइड हो ठीक है खुश हो ये नहीं कि स्ट्रेस हो उसका मन ना करता हो वो फिर भी वो नौकरी करे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए एक इंसान की नीड होती है कि वो जो काम कर रहा है उसमें उसको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है कि वो खुश है सेटिस्फाइड है क्लियर आगे है प्ले और पार्टिसिपेट इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ री क्रिएशन ठीक ये भी एक नीड है ठीक है मूड चेयर अप करने की हेल्दी फील uh, करने की कि वो खेल सकता है बाहर जाके और पार्टिसिपेट कर सकता है वेरियस फॉर्म ऑफ री क्रिएशन यानी कि जो भी उसका दिल चाहे कोई एक्टिविटी करने के लिए डांस में राइट और एम्ब्रॉयडरी वगैरह में या कुछ और आर्टिस्टिक काम करने में तो वो ईजिली पार्टिसिपेट कर सकता है विदाउट हैविंग यानी हेल्थ इशू राइट आगे है लर्न डिस्कवर और सेटिस्फाइड द क्यूरियोसिटी दैट लीड्स टू नॉर्मल डेवलपमेंट एंड हेल्थ एंड यूज द अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटीज राइट लास्ट नीड है उसमें क्या है कि हर एक इंसान की क्यूरियोसिटी होती है क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा होती है कुछ ना कुछ न्यू लर्न करने की राइट right? कि उसने कैसे डिस्कवर करनी है और उसको शांत कैसे करनी है क्यूरियोसिटी अपनी को राइट right? इससे क्या होगा एक तो ये चीज नॉर्मल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगी और इंडिविजुअल को हेल्दी रखने में भी हेल्पफुल है और इसके साथ है हर एक को पता होना चाहिए कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल है उनको यूज कैसे किया जा सके राइट कि हमारे क्या क्या हैं हैं कि हम कौन कौन सी सी कर सकते हैं, क्लियर? ये था राइटी कंपोनेंट्स वर्जीनिया, आगे हैं। 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 वर्जीनिया हैं। हैं। राइट आपने एग्जाम में लिख के आनी है एज इट इज वन बाय वन क्लियर आगे है मेजर कॉन्सेप्ट करेंगे पैराडाइम ऑफ नर्सिंग नीड थ्योरी की राइट अब आगे टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल हैंडर्सन स्टेट्स दैट इंडिविजुअल्स हैव बेसिक नीड्स दैट आर कंपोनेंट ऑफ हेल्थ एंड रिक्वायर असिस्टेंस टू अचीव हेल्थ एंड इंडिपेंडेंस और अ पीसफुल डेथ हर एक इंडिविजुअल की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं ठीक है जो कि उसको हेल्दी रखने में हेल्पफुल होती हैं और उन नीड्स को पूरा करने के लिए उसको असिस्टेंस यानी कि हेल्प की जरूरत होती है ठीक है ताकि उसको हेल्दी uh, रखा जा सके और इसको केयर करके हम लोग ठीक कर दें और उसके बाद वो खुद अपने आप ही वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके या फिर उसको असिस्टेंस चाहिए होती है इंडिविजुअल को पीसफुल डेथ के लिए क्लियर अब उसकी लास्ट स्टेज है जैसे कि हमें पता है कि जो पेशेंट्स है वो ज़्यादा टाइम नहीं सर्वाइव करने वाले उस टाइम में उनका ख्याल रखना ठीक है थीके? ताकि उनकी जो डेथ है वो पीसफुल रहे क्लियर आगे है अकॉर्डिंग टू हर एन इंडिविजुअल अचीव्स होलनेस बाय मेंटेनिंग फिजियोलॉजिकल एंड इमोशनल बैलेंस क्लियर अब उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो इंडिविजुअल है तभी हेल्दी रह पाएगा खुश रह पाएगा सेटिस्फाइड रह पाएगा जब वो अपने आप में फिजियोलॉजिक यानी कि उसकी जो बॉडी के फंक्शंस है उसमें और इमोशंस में यानी उसके थॉट्स में ठीक है फीलिंग्स में क्या है बैलेंस बना सके ठीक है यानी कि फिजियोलॉजिकल एंड इमोशनल बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए क्लियर आगे है एन्वायरमेंट अब इन्वायरमेंट के बारे में क्या बताया है दो द नीट थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइन द इन्वायरमेंट हेंडरसन स्टेटेड दैट मेंटेनिंग सपोर्टिव इन्वायरमेंट कंड्यूसिव फॉर हेल्थ इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ फोर्टीन एक्टिविटीज़ फॉर क्लाइंट असिस्टेंस हालांकि नीट थ्योरी में इन्वायरमेंट के बारे में नहीं बताया गया है बट हैंडरसन ने एन्वायरमेंट से रिलेटेड ये कहा है कि सपोर्टिव इन्वायरमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करना चाहिए राइट कि फोर्टीन एलिमेंट्स बताए हैं अपनी थ्योरी में राइट अगर उनमें से एक भी कोई भी वो नहीं खुद से कर पा रहा तो उसको क्या है असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि जो इसका एनवायरमेंट है वो अच्छा रहे ठीक है सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है क्लियर आगे है हेल्थ हेल्थ के बारे में क्या बताया है ऑल दो नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन हेंडरसनस थ्योरी हेल्थ वाज टेकन टू बी द मीन बैलेंस इन ऑल रेलेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इट इज़ इक्वेटेड विद द इंडिपेंडेंस और एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज विदाउट एनी एड इन द फोर्टीन कंपोनेंट्स और बेसिक ह्यूमन नीड्स राइट अब हेल्थ के बारे में क्या कहा है इसमें डायरेक्टली हेल्थ के बारे में डिफाइन uh, नहीं किया गया है बट हेल्थ को क्या बोला गया है कि एक बैलेंस है जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि फिजियोलॉजिकल एज़ वेल एज इमोशनल बैलेंस है ठीक है इसमें दिया है कि ऑल रैलेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ यानी कि फिजिकली स्ट्रक्चरली मेंटली सारा कुछ ठीक है सोशली सभी का जो बैलेंस है वो मेनटेन होना चाहिए राइट और इस थ्योरी में हेल्थ को क्या बताया गया है किसके इक्वल बताया गया कि उसी को हेल्दी बताएंगे कि जो पर्सन इंडिपेंडेंटली अपनी एक्टिविटीज़ को वो जो फोर्टीन एक्टिविटीज़ बताई गई हैं ठीक है थीके? वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रहा है विदाउट एनी असिस्टेंस की विदाउट एनी हेल्प

and to do this in such a way as to help him gain independence as rapidly as possible, right? अब हैंडरसन के अकॉर्डिंग नर्सिंग क्या है कि एक यूनिक फंक्शन है जिसमें नर्स इंडिविजुअल को हेल्प करती है ठीक है उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो वो अपने आप से कर लेता अगर उसमें स्ट्रेंथ होती ठीक है उसके करने की चाह होती या उसको नॉलेज होती ठीक है आप ऊपर सेकेंड लाइन में देख सकते हो कि सिक और वेल यानी कि इंडिविजुअल या तो पूरा बीमार है कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन नर्स है ठीक है उसकी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए असिस्ट करने के लिए क्लियर और दूसरा है कि वो ठीक ठाक है बस उसको एक गाइडेंस चाहिए यानी कि हेल्थ एजुकेशन चाहिए कि अपने कि उसने अपनी एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है राइट एंड टू डू दिस इन सच अ वे एज टू हेल्प हिम गेन इंडिपेंडेंस एज रैपिडली एज़ पॉसिबल ठीक है और ये सारी एक्टिविटीज़ क्या करेंगी उसको हेल्प कर सकती हैं पेशेंट को ताकि वो जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंटली अपना काम सारा खुद कर सके और फटाफट से रिकवर कर सके राइट आगे है। बात करते हैं डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स की इस थ्योरी के अब जो वो फोर्टीन नीड्स हैं उसको हमने थ्री डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स ठीक है सेकेंड इज साइकोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स एंड थर्ड वन आर द स्पिरिचुअल एंड मॉरल कंपोनेंट्स राइट अब सबसे पहले देखेंगे हम फिजियोलॉजिकल में कौन से कौन से कंपोनेंट्स आ रहे हैं पहला ब्रीथ नॉर्मली ईट एंड ड्रिंक एडिक्वेटली एलिमिनेट बॉडी वेस्ट मूव एंड मेंटेन डिजायरेबल पोस्चर स्लीप एंड रेस्ट सिलेक्ट सुटेबल क्लोथ्स ड्रेस एंड अनड्रेस मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर विद इन नॉर्मल रेंज बाय एडजस्टिंग क्लोदिंग एंड मॉडिफाइंग एनवायरमेंट कीप द बॉडी क्लीन एंड वेल ग्रूम्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटेग्यूमेंट अवॉयड डेंजर्स इन द इन्वायरमेंट एंड अवॉइड इंजरिंग अदर्स ठीक है ये सारे क्या है फिजियोलॉजिकल कंपोनेन्ट्स है जो हमने उस चार्ट में पढ़े थे पहले नौ के नौ ऐसे ही रहेंगे फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स में आप डाल सकते हो ठीक है अदरवाइज आप वैसे भी लिख सकते हो जैसे उस चार्ट में है वो फोर्टीन नीड्स आप इकट्ठे भी लिख सकते हो ठीक है अदरवाइज इस तरीके से भी लिख सकते हो आप अब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में क्या डाला है कम्युनिकेट विथ अदर्स इन एक्सप्रेसिंग इमोशन नीड्स फीयर्स और ओपिनियंस जो कि वहाँ उस चार्ट में टेंथ पॉइंट था क्लियर अब फोर्टीनथ पॉइंट लेंगे उस चार्ट का जो कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के अंदर आ रहा है क्या है लर्न डिस्कवर और सैटिस्फाइड क्यूरियोसिटी दैट लीड्स टू नॉर्मल डेवलपमेंट एंड हेल्थ एंड न्यूज अवेलेबल फैसिलिटीज़ राइट ये फोर्टीन पॉइंट अब हम टेंथ के बाद लिखेंगे क्योंकि ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में आ रहा है अब स्पिरिचुअल में क्या आ रहा है कि वर्शिप अकॉर्डिंग टू वन स्पेट ठीक है सोशियोलॉजिकली कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं ट्वेल्थ एंड थर्टीन राइट कौन सा है सोशियोलॉजिकल वर्क इन सच अ वे दैट देर इज अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड प्ले और पार्टिसिपेट इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिक्रिएशन ठीक है अगर आपने ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो अदरवाइज वो जो फोटीन का फोर्टीन है वैसे लिख के के सामने मैंशन कर सकते हो कि ये फिजियोलॉजिकल है साइकोलॉजिकल है ये स्पिरिचुअल है या ये सोशलॉजिकल है ठीक है अदरवाइज आप इस पैटर्न में भी उसको लिख सकते हो ठीक सो दिस वॉज ऑल अबाउट Virginia Henderson's need theory. Thank you so much.